नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रमजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा क्लासेस। दोस्तों, आपने जब भी भारत का नक्शा देखा होगा, उस नक्शे में हमेशा आपने देखा होगा कि सबसे नीचे श्रीलंका आपको दिखाई देता है। दोस्तों, ऐसा क्या कारण है? बाकी जो हमारे पड़ोसी देश है वो दिखाई नहीं देते, सिर्फ श्रीलंका ही दिखाई देता है। क्या आपको श्रीलंका से बेहद प्यार है? क्या हम श्रीलंका से इतना ज्यादा लगाव रखते हैं कि हमेशा उसको इंडिया के मैप में दिखाते हैं? तो आज दोस्तों मैं वो जानकारी आपसे साझा करने वाला हूं, शायद आपने इससे पहले कहीं नहीं सुनी हो। एक समुद्री कानून है, उस कानून के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं देशों को। ऐसा नहीं है कि कोई भी देश समुद्र में कहीं भी जाकर अपना अधिकार स्थापित कर सकता है, ऐसा नहीं है। कानून के तहत क्या किया जाता है, कोई भी जो देश होता है उसकी एक लिमिट निर्धारित की गई है। वो लिमिट क्या है, मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको बता दूं, ये भारत है और भारत की तटीय सीमा इधर समुद्र है, तो समुद्र के 12 समुद्री मील की बात हो रही है। 12 समुद्री मील में क्या है कि उस पर उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है 12 समुद्री मील के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगले जो 12 यानी कि 24 समुद्री मील तक वहां पर देश साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क ले सकता है और वित्तीय अधिकार दे रखे इस कानून के तहत। और आगे बढ़ते हैं तो समुद्र के अंदर 200 मील यानी कि 200 समुद्री मील तक उस देश को वहां पर समुद्र के दोहन करने का अधिकार दे रखा है। वहां पर आप वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हो और साथ ही साथ आप नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकते हो। तो इसलिए 200 समुद्री मील तक उस देश का लगभग पूरा अधिकार होता है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि चारों तरफ तटीय सीमा है और इन तटीय सीमा में जो श्रीलंका है वो सबसे नजदीक है। श्रीलंका भारत की मुख्य भूमि से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये यही कारण है समुद्री कानून के तहत कि बहुत नजदीक होने के कारण हमेशा भारत के नक्शे में श्रीलंका को दिखाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी हो या पढ़ी हो। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।